आप कौन है यार? मैं माँ हूँ बच्चे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम बच्चे की वो जो अपराध किया उसके लिए तो हम मानते हैं या उसने हम तैयार हैं, पर मेरे बच्चे को बंदूक उठाना भी नहीं आता है। उसके ऊपर एक बंदूक रख दी और फिर वो दूसरा केस भी रखा और बुलाया वहाँ हमारे घर से के दारू चाहिए हमको, साजिश करके दारू चाहिए हमको और हम डीए जेल में खड़े हैं। ऐसे करके बुलाया बच्चे को और लेते लेते गेम आज तक आ गए, जहाँ दो अपराधी थे ना वो साजिश वाले वहाँ पर लेकर आ गए और बच्चे पे इतने तीन केस रखे और दो दूसरे बच्चे पे रखे तीन तीन केस और बंदूक रखी उनकी, जबकि बंदूक चलाना भी नहीं आता उनको, हाथ लगाना भी नहीं आता, ऐसा किया। सर आप यहाँ किस लिए आए? मैं खंजा समाज का प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ और पूरे समाज में खंजा समाज की जो अपराधी प्रवृत्तियाँ हम लिप्त रहते हैं उनको समाप्त करने का कार्य हम लोग आईजी डीजी से मिलकर करते हैं। अभी लॉकडाउन से पहले माननीय डीजीपी महोदय से हम लोग मिले भी थे, आवेदन भी दिया था, वो विशेषकर आईजी साहब उज्जैन रेंज के जो आईजी हैं योगेश देशमुख, उन्होंने आश्वस्त करा था कि खंजा समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे और कंजर समाज को अनावश्यक अपने जो झूठे केसों में नहीं फंसाएंगे, ऐसे मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। हम लोग एसपी देवास से भी मिले, उनको भी अवगत करा और कुछ कायर मीटिंगें भी की, लेकिन अभी कल दिनांक 11 को सीखेड़ी नाका के जितेन हाड़ा और किशोर झांझा इन लोगों को 10 लीटर दारू इनके साथ में थी, आजीविका चलाने के लिए लॉकडाउन में सब बेरोजगार हो गए। कंजर समाज के पास में कोई रोजगार नहीं है, कंजर समाज को कोई रोजगार देते नहीं है, क्यों नहीं देते हैं, कोई दाढ़ी की भी मजदूरी भी बुलाते नहीं क्योंकि अपराधी प्रवृत्तियों में विश्वास नहीं करते, तो ये लोग रोजगार चलाने इनको मुख्य धारा से इधर मोड़ने के लिए दारू बेचकर अपना पेट पालन करने के लिए ये लोग निकले थे 10 लीटर दारू तो पकड़ लिया हुआ 10 लीटर में दो रात भर रखा और दो लोग अन्य समाज के लोग आम सेक्टर में बंदूक पिस्टल वगैरह इनके साथ में उनसे बरामद किए गए होंगे क्योंकि कंजर समाज का अपराध जो रिकॉर्ड है ये दूसरों के साथ में इनको बंद करना माने शामिल करना ये पुलिस की पुरानी प्रवृत्ति है, ये चली आ रही है, उस प्रवृत्ति को आज भी चला रहे हैं जो कि उन्होंने 34/2 केस बनाया और 34 और आम सेक्टर का केस बनाकर दो मुकदमे दर्ज किए गए और उनको जेल भेज दिए गए। उनके ऊपर ना तो कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है ना ही कोई उन्होंने अपराध में लिप्त रहे थे, बच्चे थे, 10 लीटर दारू बरामद की थी, 10 लीटर बरामद हुई वो अगर बनाते, क्योंकि कंजर समाज या आपके माध्यम से ये आश्वासन अवगत कराना चाहता है कि कंजर समाज बहुत जल्द ही एक बड़े समूह में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और इस बारे में अवगत कराएगा डीजीपी साहब। जो हथियार मिले ये इन लोगों के पास से नहीं मिला आप बता रहे हैं? इन लोगों के पास से नहीं मिले हैं, ये पहले से ही दो लोग अन्य समाज के लोग हैं वो बंद थे, उनको भी इनके साथ में पार्टी बनाकर इनके साथ में जोड़ दिया गया। तो अभी आप क्या एसपी साहब से मिलना है क्या बोल? एसपी साहब से मेरी फोन पर चर्चा हुई है और एडिसन साहब से हुई है तो और आईजी साहब ने बोला है कि आप एसपी साहब से मिले। हम लोग आईजी साहब की चैनल है, आईजी साहब को अवगत करा के ही काम करते हैं कंजर समाज का और आईजी साहब से बात करेंगे। अगर कंजर समाज के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा तो हम लोग समाज के जो कार्य कर रहे हैं इसको नहीं करेंगे। कंजर समाज ही एक ऐसा समाज है जो अपराधी प्रवृत्तियों को रोकने का काम करता है, अन्य समाज भी अपराध करता है लेकिन हर कोई समाज अपराध को रोकने के लिए आगे नहीं आता है, उसको भी दबाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि कंजर समाज को न्याय मिले और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी हम आपके माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे, हम भी करवाएंगे, लेकिन हम घर बैठने वाले नहीं हैं, न्याय दिला कर रहेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण झाला है, हम लोग पहले से ही समाज की सेवा में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो उसी गलती की सीमित ही उसको रखा जाए, ना कि उस पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाए जो वो जिंदगी भर उठ नहीं पाएगा और उसका घर बार बर्बाद हो जाएगा। ये झूठे मुकदमे लगाना, पैसे की पूर्ति नहीं करना, उसको किसी भी तरह से समाज का होने के नाते किसी भी तरह से उसके साथ में कोई भी मुकदमे झूठे लगा देना ये ठीक नहीं है।
इसलिए समाज में ये एक तरह की ये बड़ी घटना है जो होती आ रही है और ये नहीं होना चाहिए। हमारा अधिकारियों से निवेदन है कि अपनी पुलिस को भी इस तरह से उनको मीटिंग में ये कहे कि झूठा मुकदमा मत लगाओ, अगर किसी ने गलती करी है 5 लीटर की तो वो 5 लीटर आप बंद करो, उसको उससे में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं नरेंद्र गुरुदेव ग्राम से राव देता हूँ, तो सामाजिक कार्यकर्ता आ रहा हूँ विगत 3 वर्षों से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ बंजर समाज का। मेरी प्रार्थना है, हम लोग प्रयास करना चाहते हैं कि समाज सुधरे, पुलिस के साथ भी हम कॉपरेट करना चाहते हैं, जो अपराधी हैं उनको कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं या जो अपराध से जुड़े हुए नहीं हैं उनको थोड़ा सा सहायता मिले, उनको हम गाइड करें, हम प्रशासन मिलके ऐसा अपराध नियंत्रण करें। पर विगत दिनों में हमने देखा कि जो जिसका जितेन हल्ला पड़ा सिखेड़ी का, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो बहकाव में आके 5-10 लीटर गृहकारी के लिए यूज करता था, इसको 10 को 60 बना के मतलब गलत तरीके से जो गिरफ्तारी ली गई है, उसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा ना करें। आप देखिए इनके गांव बसे हुए हैं, 15 डेरे हैं देवा जिले में, इन डेरों में लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, ग्राम रक्षा समिति के लोग भी रहते हैं, आप स्पॉट पर उनकी गिरफ्तारी दो ना तो उसमें न्याय दिखेगा। ये करते क्या है कि वहाँ से पकड़ के ले आएंगे यहाँ और मनगढ़ंत कहानी रच ली जाएगी, जबकि संविधान अपना जो है आप देखें 41B में लिखा गया है कि उनके परिवार के 2 लोगों को साइन कराए जाए, वीडियो बना लो वहाँ से कि ये इस प्रकार से पकड़ा, पर उसको तोड़ के सर ये क्रिमिनलता की ओर ले जा रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ, ऐसा ना हो, समाज सुधार में सहयोग करें अधिकारी, ये हमारी प्रार्थना। धन्यवाद। यहाँ पर जैसे आपने आईजी साहब को अवगत कराया और फिर यहाँ आवेदन देना है, यहाँ आवेदन देने के बाद फिर उनको अवगत कराएंगे आप, अगर कार्रवाई नहीं? हम आशा करेंगे माननीय SP महोदय से कि उचित जाँच करके अगर 10 लीटर दारू था उस जाँच परीक्षण कर ले तो 10 लीटर दारू का केस रखे, बाकी की जो अन्य गलत धाराएं वो हटा लें, जाँच में है, अभी परीक्षण में है मामला, और अगर यही सहयोग कर देते तो कोई बात नहीं, अन्यथा हम IG और DGP और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे इस मामले से। और सादर प्रार्थना है, हमारा कोई इशू नहीं है नेतागिरी करना या कुछ करना, ठीक से रहें और ऐसा कुछ मूवमेंट बनाएं जिससे समाज सुधरता दिखे, या उनके मूवमेंट में भी हम लोग हमें बिंदु दे दें 1-2-3-4 के, इन मुद्दों पर कार्य करना तो हम तैयार हैं।